नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रगान की जगह प्ले हुआ दूसरा गाना। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के द्रास की जामिया मस्जिद में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ राख। श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस को भटका रहा आफताब। वारदात में इस्तेमाल हथियार, फोन, कपड़े अभी भी गायब। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के सुरक्षाकर्मियों के साथ महिला ने की बदसलूकी, बीच सड़क पर की गाली गलौज। चोरी के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट, 13 साल पहले का है मामला। मालाबार मेरीटाइम एक्सरसाइज में चार देशों की नौसेनाओं ने एक साथ किया युद्ध अभ्यास। समुद्र में हुआ वायर ड्रिल। केरल के सबरीमाला में वार्षिक मंडलम मकर तीर्थ यात्रा आज से, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद। सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किया ऐलान। बिहार पुलिस में जल्द होगी 44,000 पदों पर बहाली। बिहार में नियुक्ति पत्र पर उठ रहे सवाल का तेजस्वी ने दिया जवाब, बोले आपराधिक सोच वाले लोग उठा रहे सवाल। राजीव गांधी के हत्यारे छूट गए, मुझे भी रिहाई दे। स्वामी श्रद्धानंद की सुप्रीम कोर्ट से अपील, बिना पैरोल के 29 साल से जेल में हूं। देश भर के नेता पहुंचेंगे गुजरात, घर घर जाकर बांटेंगे चुनाव पर्ची। बीजेपी ने बनाई रणनीति, प्रचार में झोंकेगी ताकत। गुजरात चुनाव में बिल्किस के दोषियों की रिहाई को कांग्रेस ने चुनाव में बनाया मुद्दा, घोषणा पत्र में किया जिक्र। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की जेल, लव जिहाद भी राज्य में बैन, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। कठुआ रेप मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया रद्द, नाबालिग आरोपी पर अब एडल्ट कोर्ट में चलेगा मुकदमा। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में नलिनी श्री हरन बोली, जब पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई थी तो वो कई दिनों तक रोई। निधि को चौथी मंजिल से फेंकने वाला सूफियान फरार, हत्या और आत्महत्या दोनों पहलू से जांच कर रही है पुलिस। बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन समय बढ़ाने के खिलाफ याचिका, वकील ने कहा भगवान बाल स्वरूप हैं, 11 घंटे तक दर्शन देंगे तो थक जाएंगे। मेरठ में गंगा किनारे खुलेआम फायरिंग, 11 लोग घायल, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए दो पक्ष भिड़े, 6 लोग अरेस्ट। पूर्व विधायक माबिया अली कोकुर की नोटिस, एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 दिसंबर तक किया तलब। मुजफ्फरनगर में रालौद को झटका,
आसपा ने संभाला, मदन भैया के लिए आसान नहीं रहेगा बहारी की छवि से पार पाना। दूषित पानी से डेढ़ महीने की बच्ची की मौत, मेरठ के मंडी चंपारण में गंदे पानी से अब तक 5 लोगों की मौत, फिलहाल टैंकर से पानी की सप्लाई। इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी, फोरेंसिक जांच में ज्वलनशील पदार्थ से घर में आग लगाने की पुष्टि, विधायक की तलाश में फिर छापेमारी। रायबरेली में लाखों की दवा कूड़े में पड़ी मिली, ग्रामीण बोले अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से नहीं होती वितरित। उन्नाव पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कहा सपा बसपा और कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी, देश में योगी और मोदी दो राजनीतिक संत। अयोध्या के अस्पताल में वायरल बुखार के 30% मरीज बढ़े, बच्चे और बूढ़े भी आ रहे वायरल बुखार की चपेट में। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में पर्षदी विद्यालय की नहीं बनी बाउंड्री वॉल, ईटा बालू परिसर में गिरने के बाद हुई वापस। उन्नाव में ट्राला ने शिक्षक की बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, गंभीर रूप से घायल साथी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी नवाबाद थाना प्रभारी को कोर्ट ने किया तलब, देना होगा स्पष्टीकरण, समन तामील ना कराने का मामला। प्रयागराज में इंदिरा मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग, कांग्रेस नेता ने पीएम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भेजा पत्र। फिरोजाबाद में दो खाट के खोखों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, पीड़ित ने आरोप लगाया जानबूझकर लगाई गई आग। औरैया ग्राम पंचायत फूटा ताल, व शिवपुर में गंदगी का अंबार, शौचालय में लगा है ताला, सफाई ना होने से लोग परेशान, वायरल एयर मलेरिया की चपेट में आ रहे। फरुखाबाद में सामुदायिक विशेष युवक की किशोरी से मंदिर में की छेड़छाड़, सामुदायिक विशेष के युवक ने हाथ पकड़कर मंदिर में ले गया था आरोपी युवक। कौशाम्बी में टूटी सड़कें, नालियां बनी पश्चिम शरीरा की पहचान, नगर पंचायत में हवा हवाई साबित हो रहा करोड़ों का विकास कार्य। मेरठ में एटीएस को मिली सफलता, एटीएस ने पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार, एटीएस ने इनपुट के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। कुशीनगर में रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंचे राज्य मंत्री, कानूनी प्रक्रिया की सलाह पर ईओ को कहा निकम्मा और विकास में बाधक। बिजनौर में कई दिन से दिखाई दे रहा है गुलदार, ग्रामीण खेतों में काम करने से कतरा रहे लोगों में दहशत। सहारनपुर में वन गुर्जरों के डेरे में लगी 3 झोपड़ियों में आग, लाखों का सामान जलकर राख। सुल्तानपुर में भू माफिया ने रात में ढहा दी दीवार, पीड़ित बोला तालाब और कब्रिस्तान पर किया कब्जा, अब हमारी प्रॉपर्टी पर निगाह। प्रयागराज में बाहुबली अतीक के भाई पर भी पुलिस ने कसा शिकंजा, पूर्व विधायक अशरफ की 14 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। रायबरेली में खेत में पहुंचा अजगर, ग्रामीणों ने रात को गांव में घुसने से रोका, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ा।
मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के घर नंदगंज पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। सैयद बड़ा स्थित उनके आवास पर किया गया चस्पा। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहा स्थित ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इंडोनेशिया ने भारत को G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी। पीएम मोदी बाली से स्वदेश पहुंचे। बुलंदशहर में श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। शहीद चौक पर किया जोरदार प्रदर्शन। गाजीपुर में तहसील प्रशासन ने आइस फैक्ट्री को किया सीज। लाखों का बिजली बिल बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई। बेटी के साथ कैंची धाम पहुंचे विराट, अनुष्का बाबा को दंडवत प्रणाम कर हनुमान चालीसा का किया पाठ। उत्तराखंड पुलिस के सिपाही ने अफसरों पर लगाया शोषण का आरोप। उत्तराखंड में देहरादून की तरह हल्द्वानी की भी पहचान बनेगा घंटाघर, तिकोनिया के पास स्थापित करने की योजना। उत्तराखंड के चंपावत में जंगल जा रही छह महिलाओं पर ततैया का हमला, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में धामी सरकार का फैसला, काफी सोच विचार के बाद हुआ हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर सजा हटाई पर जुर्माना बढ़ाया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान, बोले 22 वर्षों के संदर्भ में दिया था कमीशन खोरी पर बयान। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर 2 वर्ष बढ़ाया कारावास, जुर्माना भी अधिक। हाईकोर्ट हल्द्वानी पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति। उत्तराखंड में प्रधानों को भारी पड़ेगा बस्ता जमा ना करना, होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले भाई को 20 वर्ष का कारावास, 55,000 का अर्थदंड भी लगाया गया। उत्तराखंड में टांडा भनेड़ा गांव में आए थे दुल्हन लेने, पहुंच गए हवालात, गिरफ्तार में प्रधान की पत्नी भी शामिल। उत्तराखंड के देहरादून में देर रात सहारनपुर में एसटीएफ का छापा, गैंगस्टर के इनामी अपराधी को दबोचा। उत्तराखंड में केदारनाथ समेत चोटियों पर हुई बर्फबारी, ठंड के आगोश में पूरा प्रदेश। बाघिन की मौत का मामले में वन आरक्षी पर केस दर्ज, वन विभाग ने माना जमीन पर फायरिंग के दौरान लगे थे बाघिन को छर्रे। उत्तराखंड के खड़खड़ी में बनेगा पहला गैस शवदाह गृह, लकड़ी की निर्भरता और धुआं होगा कम। पोलैंड के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन ने दागी थी मिसाइलें, नाटो की बैठक के लिए दिया आर्टिकल 4 का हवाला।
सफलता की ओर। नासा का मून मिशन ओरियन कैप्सूल ने 92,000 किलोमीटर दूरी से भेजी पृथ्वी की पहली तस्वीर। अमेरिका में चीनी जासूस को 20 साल की जेल कारावास। सिंगापुर में भारतीय को 9 हफ्ते की जेल। अमेरिकी हाउस में विरोधी रिपब्लिकन का बहुमत। बाइडेन ने दी बधाई, बोले मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने दी धमकी, घंटे भर बाद उत्तर कोरिया ने जवाब में दागी मिसाइल। अंजाम भुगतने को दे डाली चेतावनी। मिड टर्म इलेक्शन में यूएस प्रेसिडेंट को झटका, बाइडेन के एजेंडों पर रोक लगा सकेंगे ट्रंप। ईरान में फायरिंग से 5 की मौत। हमले में एक बच्ची और महिला की जान गई, पुलिसकर्मी सहित 10 लोग घायल। G20 में कनाडाई पीएम जिनपिंग भिड़े, चीनी राष्ट्रपति बोले आपसी बातचीत लीक क्यों करते हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूर्वी तट से दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया की सेना का दावा। म्यांमार ने ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री समेत कई विदेशियों को जेल से किया रिहा, 6,000 अन्य लोग भी छोड़े गए। मस्क का एम्प्लॉयज को अल्टीमेटम, ट्विटर 2.0 का हिस्सा बनना है तो ज्यादा देर तक काम करना होगा, नहीं तो कंपनी से जाना होगा। ट्विटर में मस्क के टाइम से टेस्ला शेयर होल्डर परेशान, मस्क बोले आने वाले दिनों में समय कम होने की उम्मीद। अमेजन में ऑफिशियली छटनी की घोषणा, कंपनी के हार्डवेयर चीफ बोले अब हमें कुछ पोजीशंस की जरूरत नहीं। घर खरीदना हुआ महंगा, सितंबर तिमाही 8 बड़े शहरों में मकानों की कीमत 14% तक बढ़ी, बिना बिके मकान घटे। जॉनसन को बेबी फाउंडर बनाने की इजाजत, बिक्री की नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा प्रोडक्शन करें लेकिन अपने रिस्क पर। जगुआर लैंड रोवर के सीईओ का इस्तीफा, थियरी बोलोर ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी छोड़ी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बनी कू, इसके यूजर्स की संख्या 5 करोड़ के पार, 10 भाषाओं में उपलब्ध। शेयर ब्रोकरों के लिए साइबर सुरक्षा नियम लगाएगा SEBI, निवेशकों के हित में लिया गया फैसला। ग्लोबल मंदी की चिंताओं के बीच RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक प्रमुखों को दी सलाह, बोले सतर्क रहें। सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में की बढ़ोतरी, डीजल के निर्यात शुल्क में कटौती। मैराडोना के सबसे चर्चित गोल वाली फुटबॉल नीलाम, 20 करोड़ में बिकी। पूर्व इंग्लिश कैप्टन को हार्दिक की बाउंसर वॉन का सवाल, 2011 के बाद क्या किया। पांड्या बोले कुछ साबित करने की जरूरत नहीं।
भारतीय क्रिकेट टीम की तस्वीर बदल सकते हैं धोनी, बीसीसीआई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए करेगा संपर्क। पूर्व पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बाबर आजम को कहा जिद्दी, बोले उनकी वजह से पाक क्रिकेट को नुकसान हो रहा। आकाश चोपड़ा की भविष्यवाणी, सनराइजर्स हैदराबाद लगाएगी वेन स्टोक्स और मयंक अग्रवाल का बड़ा दांव। अगले वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक का मैसेज, हार भूलो गलतियां सुधारो, युवाओं के पास मौका, खुद को साबित करें। दिल्ली को 5 साल बाद मिलेगी टेस्ट की मेजबानी, धर्मशाला में अहमदाबाद की दौड़ में शामिल। किरण पोलार्ड के संन्यास लेने पर इमोशनल हुए हार्दिक पांड्या, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट। स्टीफन फ्लेमिंग ने भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत को किया याद, बोले कीवी टीम के लिए भारत के खिलाफ यह जीत कितनी महत्वपूर्ण थी। अर्जेंटीना की जीत का सिलसिला जारी, जर्मनी और पोलैंड में भी अपने अपने वार्म अप मैच जीते। करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे इब्राहिम, निभाएंगे फौजी का रोल, 2023 तक रिलीज हो सकती है फिल्म। जानवी ने हाउस टूर कराते हुए श्रीदेवी को किया याद, बोली मां कभी भी बाथरूम में लॉक लगाने की इजाजत नहीं देती थी। एयरपोर्ट पर दिखे रणवीर सिंह एक बार फिर अतरंगी अवतार में, एस्टन मार्टिन से की जोरदार एंट्री। नहीं रही सुपरहिट पंजाबी फिल्मों की हीरोइन दिलजीत कौर, लुधियाना के गुरुसर सुधार बाजार में भाई के घर ली अंतिम सांस। खत्म हुई रणवीर की फिल्म सर्कस की शूटिंग, अब शुरू होगी प्रमोशन की तैयारियां, क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। टीम के साथ मस्ती करती दिखी शहनाज गिल, जानवी कपूर के गाने पर किया जमकर डांस, फैंस बोले ऐसे ही खुश रहो। ब्रैड पिट का नाम अब इनेस डी रेमन से जुड़ा, एक साथ कॉन्सर्ट में हुए स्पॉट, सामने आई दोनों की फोटोज। फैमिली के साथ ही स्पॉट हुए गोविंदा, सुहाना खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अनुपम खेर समेत मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे कई सेलेब्स। एयरपोर्ट पर अनुष्का और विराट से मिले अनुपम खेर, सोशल मीडिया पर दोनों की तारीफ की। एंड्रिला शर्मा को आया मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट, डॉक्टर्स ने रखा वेंटिलेटर पर, सीपीआर भी दिया। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।